हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम डिस्कस करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सपेंशन और एन एक्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग। जैसे अगर हम एक बलून की बात करते हैं या फिर हम एक फुटबॉल की बात करते हैं, हम उसके अंदर जब एयर को ब्लो करते हैं उससे जो साइज है बलून का या फुटबॉल का वो बढ़ता है, इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन रिलेट करता है प्राइस लेवल के साथ में। और एक सिंपल से मीनिंग की अगर हम बात करें तो इफ देयर इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल दैट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन बहुत सिंपली, बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस। जब प्राइसेस के अंदर राइज आता है, ऐसा टाइम इकोनॉमी फेस करती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। सो इन्फ्लेशन इज सिंपली अ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत तरह का होता है, इसके क्लासिफिकेशन को फर्दर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर हम गवर्नमेंट कंट्रोल डिग्री की बात करते हैं तो इस बेसिस पे इन्फ्लेशन दो तरह का होता है। फर्स्ट इज ओपन इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस। प्राइसेस बढ़ते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन उन राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं अडॉप्ट करती है। लेकिन अगर हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग एंड सच राइज इन प्राइसेस आर चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सच एज rationing, price control at the part of government. But suppressed inflation is more dangerous than open inflation. In suppressed inflation, bribery, corruption, black market, ya phir unequal distribution of resources. Next comes on the basis of time. टाइम के बेसिस पे इन्फ्लेशन थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज वॉर टाइम इन्फ्लेशन, सेकंड पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन एंड द थर्ड इज पीस टाइम इन्फ्लेशन। अगर हम वॉर टाइम की बात करें, जब इकोनॉमी किसी इमरजेंसी सिचुएशन को, किसी वॉर सिचुएशन को फेस करती है, ऐसे में गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी को रेज कर देती है। और जब सप्लाई ऑफ मनी रेज हो जाती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोड्यूस मार्केट से खुद ही बाय कर लेती है। रिलेटिवली बहुत कम प्रपोर्शन बचता है लोगों के लिए, जबकि लोगों के पास रिलेटिवली जो मनी होती है कंपेरेटिवली हाई होती है। सिचुएशन में जो प्राइसेस हैं वो राइज होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कम्स पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। जब वॉर सिचुएशन तो एंड हो गई है, लेकिन उसकी वजह से जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है कंट्री में, उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हैवी स्पेंडिंग्स करनी होती है। और उसको रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई रेज करती है जो कि पब्लिक के पास में फ्लो होती है, बट प्रपोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड उसी प्रपोर्शन में रेज नहीं होता। दिस इज कॉज ऑफ पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। एंड नेक्स्ट कम्स पीस टाइम इन्फ्लेशन। पीस टाइम सिचुएशन यानी कि इकोनॉमी किसी इमरजेंसी, किसी वॉर सिचुएशन को फेस नहीं कर रही है, स्टिल इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो हाई रहते हैं। पीस टाइम इन्फ्लेशन क्यों होते हैं? जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज में उन्हें अपना डिफेंस भी मेंटेन करना होता है, उन्हीं रिसोर्सेज में उन्हें अपनी पॉपुलेशन की बाकी नीड्स को भी सेटिस्फाई
करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट चूज कर लेती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज है. सो वो जो सप्लाई ऑफ मनी रेज हो जाती है उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और राइज इन प्राइसेस जो है वो होता है. नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इट इज ऑफ फोर टाइप्स. फर्स्ट कम्स क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकेंड कम्स वॉकिंग इन्फ्लेशन, नेक्स्ट रनिंग इन्फ्लेशन और गैलपिंग इन्फ्लेशन, एंड द लास्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन. अगर हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें, क्रीपिंग व्हेन प्राइसेस राइज वेरी स्लोली, इट इज जस्ट लाइक क्रॉलिंग. जब क्रॉलिंग की स्टेज होती है, जस्ट अ बेबी आफ्टर बर्थ स्टार्ट्स क्रॉलिंग, सो दिस इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन. एंड हेयर बाय राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज अप टू 3% ओनली. व्हेन देयर इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल बाय 3%, इट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन. एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल इन एनी इकोनॉमी. इट फर्दर इंक्रीजेस प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट कम्स वॉकिंग इन्फ्लेशन. Walking inflation, when inflation rises up to 30-40%, जो प्राइस लेवल में जो राइज है वो 30-40% होता है, तो वो हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है. नेक्स्ट कम्स रनिंग, वेन दिस चेंज लीड्स टू 80-100%, दैट इज रनिंग इन्फ्लेशन. कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट क्रीपिंग से करती है, धीरे धीरे वॉकिंग में कन्वर्ट होती है, और आफ्टर दैट वो रनिंग इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है. लास्ट कम्स हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन देयर इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल व्हिच इज मिलियन टाइम्स. जब मिलियन टाइम्स का चेंज जनरल प्राइस लेवल फेस करता है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं. इट इज जस्ट लाइक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, किसी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट कर देता है ये हाइपर इन्फ्लेशन. Next comes on the basis of scope. Scope basis पे inflation two types का होता है. First comes sectoral inflation and next is comprehensive inflation. जब general price level में rise है, लेकिन वो rise सिर्फ एक particular part of country को ही affect करे, तो वो sectoral inflation होता है. It covers only one or two commodities, just like pulses, petrol. सिर्फ ऐसे ही अगर एक particular sector को inflation cover करता है, तो वो हमारा sectoral inflation होता है. But अगर जो इन्फ्लेशन है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इट कवर्स द इंटायर कंट्री, दैट इज नोन एज कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन. एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस. जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, उस प्रोसेस के बेस पर इन्फ्लेशन अक्कर होता है. एंड इट इज अगेन ऑफ फोर टाइप्स. फर्स्ट कम्स वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. अगर हम वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन की बात करें, तो नेम से क्लियर है, सच इन्फ्लेशन इज इंड्यूस्ड बाय वेजेस. सपोज किसी चीज की जब आप प्रोडक्शन करते हो, तो उस प्रोडक्शन में 30 रुपीज का मटेरियल यूज होता है. जो लेबर है, इट इज ऑफ 30 रुपीज, एंड जो अदर एक्सपेंसेस है वो 20 रुपीज के हैं. ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 80 है, और आप उसमें 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके चीज को 100 रुपीज में सेल करते हो. लेकिन जो वेजेस हैं, अब वो इंक्रीज हो गए हैं. मटेरियल की कॉस्ट सेम है, एक्सपेंसेस भी सेम है, लेकिन वेजेस 30 से लिफ्ट होकर 50 हो गए हैं. जो चीज पहले 80 में बनती थी, आज वही चीज 100 में बनती है. और आप अगर सेम प्रॉफिट भी उस पर अर्न करते हो, स्टिल जो प्राइस के अंदर राइज आ गया है वो 20 रुपीज से राइज आया है. सो दिस इज वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. द अल्टीमेट कॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस इज इंक्रीज इन वेजेस एज अ पार्ट ऑफ लेबरर्स. नेक्स्ट कम्स
प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इसको हम मार्कअप इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब एक प्रोड्यूसर अपने मार्कअप को रेज करता है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, वो हमारा प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होता है। जहां पर हमने 20 रुपीज ऐड किए, अगर वही पर्सन 20 नहीं उसको फर्दर रेज करना चाहता है, फॉर एग्जांपल हमने 30, 50, 20 के बेसिस पे 100 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो की, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम एंड 100 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट देयर इज राइज इन मार्कअप। पहले 20% प्रॉफिट जनरेट होते थे, लेकिन अब वो 40% प्रॉफिट को जनरेट करना चाहता है। तो जितना राइज इन प्राइस इसकी वजह से हो रहा है, इट इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। थर्ड कम्स डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन is just occurred due to deficit financing used by the government in the country, and because of increase in money supply there is more purchasing power left with the people, that's why prices of the products start rising. This is deficit induced inflation. And last is stagflation. Stagflation is a situation which is concerned with developed countries. In developed countries, on the one hand, production falls, and with fall in production, there is increase in unemployment in the country. But on the other hand, prices rises. अब price के अंदर rise आने का जो reason है वो ये है कि जो plant capacity पहले particular cost of production पर goods को produce कर रही थी, at less capacity जो cost of production है वो raise हो जाती है, और cost of production के raise हो जाने की वजह से जो prices हैं वो बढ़ने लगते हैं। सो दिस इज सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जब जनरल प्राइस लेवल के अंदर राइज आता है तो इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में अक्कर होता है। इन्फ्लेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो कि होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।